नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटी सेल पार्ट टू के बारे में। पहला वीडियो जो पार्ट फर्स्ट आया था उसमें आप देख सकते हैं कि कैसा क्या मैंने बताया था, वैसे ही आज सेकेंड पार्ट में लेकर आया हूँ। कुछ और चीज़ें बताएंगे आपको कि कैसे आप आईटी सेल के एक माया जाल, एक मकड़ जाल से कैसे बचें, लोग कैसे आपको गुमराह करते हैं, अफवाह, एक झूठी खबर, एक अफवाह को फैलाते हैं और आप उसे सच मान लेते हैं और किसी की वाहवाही में आ जाते हैं, किसी के फॉलोवर बन जाते हैं, किसी के फैन बन जाते हैं, किसी के भक्त बन जाते हैं। तो आप पहले सच जानिए क्या है और उसके बाद ही किसी के फैंस आप बनिए, उसको अपना जो भी मानना हो मान लो फिर, लेकिन पहले सच्चाई जानो कि क्या है, आखिर सच्चाई क्या है इसके पीछे की। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आईटी सेल का मुख्य कार्य जो है वो तो आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, लेकिन अब तो सारे के सारे जितने भी संगठन है, संस्थान है, कोई प्रोडक्ट है, सबके भैया आईटी सेल चल रहे हैं। अपने चीज़ की व्याख्या दिए पड़े हैं कि भैया हमारा सबसे बेस्ट है, हम सबसे अच्छे हैं, हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप वेबसाइटों पर अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो वहाँ भी जो है लाखों वेबसाइटें ऐसी हैं जिन पर केवल फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए और आप किसी भी न्यूज़ या वेबसाइट पे जाकर न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको पहले ये चीज़ जान लीजिए कि क्या मैं जो ये पढ़ रहा हूँ, क्या ये सच में वाकई में कोई न्यूज़ पोर्टल है जिसे मैं पढ़कर इसको मानूँ कि हाँ ये है। और आजकल तो मीडिया का भी तो कोई भरोसा नहीं रहा कि भाई कौन सा मीडिया क्या दिखा रहा है, कोई कहता है पेड न्यूज़ है, क्या है। तो उसको आप पहले खुद अपने मन से विचार करिए कि क्या वाकई में सच हो सकता है। गूगल पर आप सर्च करिए, एक नहीं दो जगह, चार जगह सर्च करिए, आप ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये सच्चाई है या नहीं है। फिर उसके बाद में उस पर विश्वास करिए, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना अब नहीं रह गया। आईटी सेल का काम क्या है कि एक बड़ा तबका जो कि एक युवा वर्ग है, वो जो है ऑनलाइन नेट टीवी देखना तो वो भूल ही चुका है, वो तो न्यूज़ सारी कुछ तो फ़ोन पर ही वो देखता है। तो सारे लोग आईटी सेल का गठन इसलिए करे हैं कि उन जो एक वर्ग वहाँ पर, वर्ग विशेष वहाँ पर है, उसको हम कैसे जो है उसका माइंड डाइवर्ट करें अपनी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश, चाहे वो ऐड के थ्रू है, चाहे वो वीडियो है, वो फिर दूसरा अपना किसी भी वो बना लेते हैं एक आईडी बना के कोई भी, सारे सोशल मीडिया साइट पर यही सारा कुछ चल रहा है, चाहे वो मतलब फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सारी जगह वो फेक अफवाह फैलाते हैं। कोई उसकी बुराई कर रहा है, कोई उसकी बुराई कर रहा है, लेकिन सच क्या है? सच तो कोई बताता ही नहीं, सारी एक दूसरे की बुराई में लगे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक पार्टियों, देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बारे में जो ऐसा आईटी, उनकी आईटी सेल के बारे में सुनने को मिला है, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाती हैं और खुद फ़ायदे उठाती हैं, क्या ये सच है? आप किसी भी चीज़ को बिना गहराई तक जाने आप उस पर दंगा फसाद लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप इस बात पर लड़ाई बिल्कुल भी मत करो कि जातिवादिता को लेकर। आप देखो कि ये कहाँ से उठा है, ये मतलब ये मुद्दा आया तो कहाँ से आया, मतलब ये जात विरोधी तरह तरह की ये फसाद खड़ी करना, ये सारा काम है अब तो सुनने में आ रहा है आईटी सेल ही कर रही है। तो आईटी सेल का काम क्या है? गुमराह करना, अफवाह करना, आप लोगों को फालतू की झूठी न्यूज़ दे देना और आप उन लोगों को अच्छा मान लोगे कि भैया ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाकई में वैसा कुछ हुआ ही नहीं होता है, केवल झूठा फेक होता है। उनका पोर्टल बना हुआ, उस पर न्यूज आती हैं, लाखों करोड़ों पेजेस हैं, लाखों करोड़ों क्या कहते हैं ग्रुप्स हैं, जिसमें क्या कहते हैं फालतू की चीज़ें, फालतू के क्लिप्स, फालतू की वो दिखाई जाते हैं, जबकि वैसा कुछ होता ही नहीं, वो सारा झूठ होता है, लेकिन आप उसको आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। आप लोग सबसे पहले तो आप लोग ऐसे हैं, भारत देश का ये हाल है कि वो उस मुर्गी की तरह हाल हो गया, जो मुर्गी को जब तक ना काटो ना तो मुर्गी खाती रहती, दाना खाती रहती, उसके साथ वाली मुर्गी काटी जाती है और वो खाती रहती, उसको नहीं पता है कोई, लेकिन जब उनकी बारी आती है तब उनको पता चलता है। तो ये हाल अपने भारत का हो गया है, तो आप ऐसे हाल से बचिए कि उस मुर्गी की तरह मत हो जाइए कि एक काटी जा रही है, खाते रहो, हमारी बारी आएंगे तो देखेंगे। तो यानी आप खुद हर चीज़ देखो, जानो, समझो, तो परखो, उसके बाद ही कोई भी चीज़ का डिसीजन लो कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों की आंखें खुले और लोग जाने कि क्या क्या इंडिया में हो रहा है, और इन सब चीज़ की झूठ की अफवाहों से बचो, फालतू की न्यूज़ पर विश्वास ना किया करो, आप खुद सोचिए, सर्च करो लोगों